आप ही नहीं रहोगे तो आईआईटी की सीट का कुछ नहीं होगा, एम्स की सीट का कुछ नहीं होगा। ये ढांचा थोड़ा सा सही हुआ है, पहले बहुत पतला था, बहुत ज्यादा ऐसे गंदी, अभी भी हूं बट अब थोड़ा सा सही हो गया, अब धीरे धीरे शायद और सही हो जाऊं अगर खाना पीना शुरू कर दूं। आज बिना खाए मैं आ गया हूं क्योंकि मैंने सोचा यार यहाँ पे आके थोड़ा परेशानी ना हो जाए। कौन कौन नहीं खा गया यार खाना? अरे निकम्मो, वही चीज बतानी थी, खाने पे बहुत फोकस रखना यार, आप ही नहीं रहोगे तो आईआईटी की सीट का कुछ नहीं होगा, एम्स की सीट का कुछ नहीं होगा। मैंने आप सभी के साथ एक बार शेयर कर रखी है, एक वीडियो बनाई थी उसमें भी कि मैं बिल्कुल यही खाने पे ज्यादा फोकस नहीं रखता था। कई जगह मेस तो यहाँ पे फेमस है हर चीज के लिए, उनका खाना सबको पता है। अभी तो शायद अच्छा लग रहा हो, शायद स्पेशल चल रहा होगा या बेकार हो गया, कोई बात नहीं आदत लग जाएगी। तो मैं ऐसे खाना स्किप करते रहता था, अपने नाश्ता नहीं करा, नाश्ता तो पता नहीं कब करा था पहली बार, फिर खाना बीच में डिनर छोड़ दिया क्योंकि पढ़ाई की, भाई पढ़ाई करूंगा उसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। उससे क्या हुआ कि बहुत ज्यादा हेल्थ पे इफेक्ट पड़ना शुरू हो गया। एक टाइम ऐसा था मैं और मेरा भाई यहाँ पे जो कैमरा संभाल रहा है, तो हम दोनों एक साथ रहते थे ठीक है, और सेम रूम था हमारा। तो क्या हुआ कि मैं सुबह उठा और उठ के इसने बोला कि यार शोभित उठ जा, टाइम हो गया है कोचिंग का, जाके एक बार, क्योंकि मैं रात को पूरा पढ़ा था और सुबह सो रहा था। तो इसने उठाया कि शोभित जाके एक बार यार ब्रश ब्रश कर ले, नहाते तो तुम हो नहीं, ब्रश करके चलो चलते हैं कोचिंग। तो मैं ऐसे ब्रश करने उठा, अंदर गया, बस पेस्ट लगाए होगा ब्रश पे और मैं गिर गया, और मैंने अंदर से गेट बंद कर रखा था। बहुत बुरी तरह आवाज आई इस चीज ने मेरे को बाद में बताया, पता नहीं मेरे सर में लगी थी कहां लगी थी कुछ भी, बहुत पता नहीं कैसे ऐसे हो जाता है ना, चक्कर आ जाते हैं, चक्कर आके मैं गिर गया, मेरे को नहीं पता। फिर इसने धड़धड़ बहुत तेज खटखटाया गेट, फिर पीछे से सीढ़ियां आके बालकनी से चढ़ गए, फिर अंदर घुस के फिर खोला, तब मैं बाहर आया, फिर मेरे रेजिडेंस में डॉक्टर वगैरह को दिखाया, तब मेरे को हेल्थ की अहमियत पता चली। फिर मेरे पापा आए, उन्होंने सब चीज बताई कि यहाँ पे देख जूस मिलता है, ये जूस रोज पीना, ये चीज करना। मैं हमारे क्या होता था कि आपको भी पापा ऐसे कैश कुछ दे के गए होंगे, वो मेरा मतलब मैं खर्च ही नहीं करता था, अंदर से ना पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि यार 10 रुपए निकल रहे जितना कम हो रहा है, लगता है हो रहा है फील कि यार थोड़ा कम खर्च कर लेती हूँ या थोड़ा कम खर्च कर लेता हूँ। वही मेरे को होता था कि यार पापा ने वैसे ही इतने पैसे खर्च कर दिए हैं, अब क्यों और खर्च करूं, तो ऐसे ही इतने में ही काम चला लेता हूं। तो पापा ऐसे छोड़ के जाते थे, वापस आते थे उतने पैसे रखे रहते थे, तो पापा कहते थे यार यूज क्यों नहीं कर रहे इसे। तो पापा ने उस समय बहुत डांटा जब मैं ये वाला इंसिडेंट हुआ था, किसे यूज करो, फल खाओ, ठीक है मेस में अच्छा नहीं मिल रहा छोड़ दो, बाहर खाओ, बाहर कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो ऐसा रेस्टोरेंट होगा जो अच्छा बनाएगा, वहां जाके खा लो, रोज एक ना एक फ्रूट खाओ, थोड़ा बहुत जूस पी लिया आपने, तो इसकी अहमियत बहुत है, इसको मत स्किप करना। मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, वो पागलपन वाला फेस एक दो दिन होगा, 3-4 दिन होगा, उस समय चाहे छोड़ सकते हो कोई बात नहीं, 3-4 दिन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर आपके जो 2 साल है इसमें आप नहीं तो मेरे जैसे ढांचे बन जाओगे, ऐसा मत होने देना, खूब मोटा होकर जाना है ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि भाई जैसे मैं गिर गया ऐसे तुम गिर जाओगे, मेरे को कोई चोट नहीं आई भगवान की कृपा से, बट आपको ना आए, क्योंकि वो कई बार बहुत इफेक्ट पड़ता है, आपकी क्लासेस छूटेंगी, और यहाँ पे तो क्लासेस 10वीं में क्लासेस छूट जाए कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे अगर एक भी क्लास छूटी पूरा चैप्टर उड़ जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा क्या अगले क्लास में हो रहा है। तो इसलिए अपनी हेल्थ पे ज्यादा फोकस रखना है हमें, पढ़ाई से भी ज्यादा। जैसे सील 2 घंटे बैडमिंटन खेलता था, एक दोस्त ढूंढ लो जो आपसे कुछ ना कुछ साथ में खेले, खेलना जरूरी है। एक और बंदा था आधार नाम का, जो था आईए बैच में, जो रेजोनेंस का स्टार बैच होता है। तो इनिशियली क्या होता था कि पहले 1 महीने उसने बहुत मेहनत करी थी, उसने 1 महीने सेक्रीफाइस करा था खेलना मिलना, पर जब मैं 1 महीने पहली बार आया था तो मैंने तो खेलना शुरू कर दिया था, पहले तो मैं खूब मजे में था ना, तो वॉलीबॉल वगैरह खेलता था। तो वो हमारे हॉस्टल में 3rd फ्लोर पे रहता था ऊपर, तो वो ऐसे 3rd फ्लोर से देखता रहता था, हम खेलते थे वो देखता रहता था, और हम सोचते थे क्या पागल है यार इतना, क्या थोड़ा बहुत खेल ले आके। 1 साल बाद मैं ऊपर से देखता था और नीचे खेलता था। तो इसलिए खेलने पे भी फोकस हमें रखना है ठीक है। तो हमें गेमिंग मोबाइल वाली नहीं, कितने स्मार्टफोन कौन कौन लेके आए, वापस भेज दो, वापस सब वापस हो जाने चाहिए, एक का भी नहीं बचना चाहिए, सब वापस चले जाने चाहिए। मेरे से पैसे ले रहे हैं ना, 900 रुपए सैमसंग गुरु ले लो,
मेरी वीडियो भी मत देखो, छोड़ दो मेरी वीडियो, मेरे को अपनी वीडियो दिखा के नुकसान को करवाना यार तुम सभी का। नहीं नहीं कोई भी कोई बहाना नहीं, ऊपर आपको मिल जाएगा इंटरनेट, साइबर कैफे में जाके देख लेना। बहुत बहुत बड़ी गलती करोगे अगर ये फोन रख लोगे। मैं आप सभी को एक इंसिडेंट शेयर करता हूँ, मेरा भाई यहाँ खड़ा है, उसको मैंने झूठ बोला था, आज उसको सच पता चलेगा। जियो फोन लॉन्च हुआ था, ठीक है, तो मैंने घर से जियो फोन मंगा लिया। मैंने कहा यार मम्मी ये वाला फोन थोड़ा खराब सा हो रहा है, जियो फोन में कैमरा भी मिल जाता है, कई बार जरूरत होती है कैमरे की, होता है यार कई बार मन करता है हमारा भी कि कैमरा वैमरा मिल जाए या फिर थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह हम यूट्यूब पे हम भी देख लें। तो मैंने वो फोन मंगवा लिया था जियो फोन, भाई साहब उसमें सब कुछ हो जाता है उसमें तो सब चीज है, मैंने सोचा उसमें थोड़ा बहुत चलेगा सब चल जाता उसमें तो वो वाला फोन मैंने मंगवा लिया और एक दो महीने के लिए मैंने वो फोन रखा और मैंने अपने अंदर आपको ना गिल्ट होना शुरू हो जाएगा अपने आप यार मैं क्या कर रहा हूं, पापा ने इतने पैसे खर्च करके भेजा और मैं यहाँ पे गेम खेल रहा हूं बैठ के, वेब सीरीज खत्म होनी है, ये वेब सीरीज तो 4 साल बाद भी नेटफ्लिक्स पे पड़ी रहेगी, बाद में देख लूंगा, ये गेम तो बाद में भी खेल सकते हैं, 2 साल तो रगड़ लू। वो एक महीने के बाद ऐसी गिल्ट सी आई और मैंने वो फोन, मेरी स्टडी टेबल होती है आप सभी, क्योंकि वो लोहे की उसमें ऐसे डंडियां लगी होती है ना, वो फोन मैंने नीचे रखा और लोहे की डंडी से तोड़ दिया। घर में मैंने बताया था कि घर में मैंने ये बताया था कि पापा, या भाई को भी ये बताया, इसको आज सच पता चला है, मैंने बताया पापा वो ना बाहर से ना एक बारात जा रही थी और मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और मेरे हाथ से छूट गया। बारात बारात तो पता होगा ना यार, शादी ढोल, हाँ तो ऐसा मैंने बोला कि पापा वो उससे पता नहीं, मैं ऐसे बटन दबा रहा था, बटन दब नहीं रहा, एक तो ये जियो फोन होती है ऐसे, वो ऐसे करके ऐसे गिर गया, हाथ से टूट गया और वो मैंने वो टेबल से तोड़ा था, आज इसको पहली बार पता चला है। मैं ये नहीं कहूंगा तोड़ो अपना फोन, तुम्हारा महंगा वाला यार वो तो 500 कितने 1500 रुपए का आता था, आपका महंगा वाला है, मम्मी पापा है यहाँ पे नहीं है कोई बात नहीं, कुरियर कर दो वापस भेज दो, उससे जितना फायदा होगा ना उससे ज्यादा नुकसान होगा, मत रखो। मैं एक बड़े भाई की तरह एडवाइस दे रहा हूं, कभी मन करेगा साइबर कैसे मैं बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करूंगा, कभी एक दिन कभी मन करेगा जाके 10 रुपए देके खेल लेना गेम, ये नहीं पूरे दिन बैठे रहना है। कुछ बच्चे बैठे रहेंगे कि भाई पूरे दिन बस साइबर कैफे में ही है, बहुत बच्चे मिलेंगे आपको आपके आसपास वाले, मूवीज चल रही है 5-5 रुपए में, 6-6 मूवीज क्या होता है 10 की 5, 10 की 6 चलती है यहाँ पे बहुत, ये भी होगा 10 की 3 हो गए अब, हमारे टाइम में 10 की 5 थी, जैसे अब गोलगप्पे 10 के कितने हो गए, यहाँ पे कितने लेते हैं 6, हम नीचे वाले भैया से 10 के 7 लेते और पपड़ी भी लेते, हाँ बता देना बता। पॉइंट ये है फोन भेज दो यार, सैमसंग गुरु आता है आपका 800-900 रुपए का, 1000-1200 रुपए का वो ले लेना, FM उसमें मिल जाएगा, FM सुन लेना।